दोस्तों आज हम जानेंगे इंडिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार चेन्नई शहर के बारे में, जो बे ऑफ बंगाल के कोरोमंडल तट पर बसा हुआ एक बड़ा ही हैरतअंगेज सिटी है। चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से भी जाना जाता था, जो अपने कल्चरल हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी के लिए देश भर में फेमस है। इसे साउथ इंडिया का एंट्री पॉइंट भी कहा जाता है और ये साउथ इंडिया में मौजूद तमिलनाडु राज्य की न्यायिक राजधानी है। वही क्या आपको पता है कि चेन्नई इंडिया में ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जहां पर भारत के 30% से भी ज्यादा फोर व्हीलर्स गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसलिए आज इस शहर को इंडिया का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। अगर यहां की संस्कृति और लैंग्वेज की बात करें तो यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है, लेकिन बिजनेस, एजुकेशन और दूसरे ऑफिशियल कामों में ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाता है। वहीं एक हालिया सर्वे से पता चला है कि चेन्नई इंडिया का इकलौता ऐसा शहर है जहां 45% हेल्थ टूरिस्ट्स दूसरे देशों से आते हैं और 30-40% हेल्थ टूरिस्ट्स इंडिया से होते हैं। इसलिए इसे इंडिया की हेल्थ कैपिटल भी माना जाता है। तथा चेन्नई अपने लाजवाब साउथ इंडियन व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की गलियों में आपको पूरे साउथ इंडिया का टेस्ट चखने को मिलेगा। चेन्नई के लोग ब्रेकफास्ट में ज्यादातर इडली सांभर, डोसा सांभर और नारियल चटनी के साथ वड़ा खाना भी पसंद करते हैं। अर्थात हम चेन्नई के न्यूमेरिकल डेटा पर नजर डालें तो चेन्नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है और पॉपुलेशन के मामले में पूरी दुनिया में ये शहर 36वें पायदान पर आता है। साल 2024 में चेन्नई की जनसंख्या तकरीबन 65.99 लाख रिकॉर्ड की गई है और इसकी कुल आबादी में से लगभग 80.73% लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। वही मुस्लिम कम्युनिटी के लोग करीब 9.45% है और ईसाई धर्म के लोग लगभग 7.72% है। इसके अलावा चेन्नई शहर में कई और छोटे बड़े धर्मों के लोग भी निवास करते हैं। अगर बात करें इसके एरिया की तो इसका टोटल एरिया 426 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ है, इसलिए ये इंडिया के कुछ सबसे बड़े महानगरों में गिना जाता है। लेकिन अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो चेन्नई का सेक्स रेशियो काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ प्रति 1000 मेंस पर लगभग 989 वीमेंस पाई जाती हैं। वहीं यदि आप चेन्नई के निवासी हैं तो आपको गर्व होगा कि चेन्नई ने पिछले कुछ सालों से अपने आप को हर इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड्स में बहुत ही तेजी से डेवलप किया है, फिर चाहे वो रियल एस्टेट हो या फिर यहाँ रोड नेटवर्क। वर्तमान समय में चेन्नई को विकसित करने वाले कई सारे नए मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है, जैसे कि चेन्नई का पेरिफेरल रिंग रोड, जिसे 133 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा और इसकी कुल लागत करीब 123 बिलियन भारतीय रुपए है। वहीं मेट्रो की बात करें तो चेन्नई में काफी साल पहले से ही रैपिड मेट्रो जैसी सुविधाएं मौजूद हैं, अथवा साल 2022 से यहां के मेट्रो फेज 2 का वर्क स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके पूरा हो जाने के बाद चेन्नई मेट्रो की कुल लेंथ 54 किलोमीटर से बढ़कर 67 किलोमीटर हो जाएगी। इसके अलावा चेन्नई में 4 लेन वाला 900 मीटर लंबा फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन भी जोरों पर है। और आइए अब जरा हम इस शहर के सुनहरे इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। तो चेन्नई का इतिहास बताता है कि ये शहर लगभग 400 साल पुराना है और दुनिया भर में 36वां महानगरीय शहर भी है। इसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 1996 में इसका नाम मद्रास से बदलकर चेन्नई रख दिया गया। ये वही महान शहर है जिसने पल्लव वंश से लेकर मुगल ब्रिटिश शासन काल तक को करीब से देखा है। हालांकि इतिहास के पन्नों में भी ये बताया गया है कि ये शहर 200 सालों तक पुर्तगाली शासन के अधीन रह चुका है। और आइए अब आखिर में हम आपको बताते हैं चेन्नई शहर में घूमने फिरने योग्य कुछ दिलचस्प स्थानों के बारे में। तो यहाँ पर आप इलियट बीच, कपालेश्वर मंदिर, वल्लुवर कोट्टम, ब्रिजी बीच, चेन्नई संग्रहालय और यहाँ के शानदार मरीना बीच की सैर कर सकते हैं।